नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला के जाली विधानसभा 87 से फिर से एक विशेष कवरेज नाजिर अहमद अंसारी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें एनसीपी के उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी लगातार अपने क्षेत्र में टिकट मिलने के बाद वो लोगों से मिल रहे हैं। उनका घर भी वहाँ है, स्थानीय है वहाँ के, और कहीं न कहीं इससे पूर्व जिला परिषद का चुनाव वो लड़ चुके हैं। इससे पहले भी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया, उन्होंने अपने जीवन के बारे में, अपने राजनीतिक करियर के बारे में उन्होंने बताया कि क्या वो करना चाह रहे हैं और क्या करके दिखाएंगे। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको बता दें कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी का चुनावी दौरा जारी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नाजिर अहमद अंसारी का दौरा जोर पकड़ रहा है। रात में हो दिन में हो, देख सकते हैं, ये रात का तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको ये बता दें कि इस क्रम में नाजिर अहमद अंसारी ने सिंघवारा प्रखंड के कई इलाकों का सघन दौरा किया है। उनके समर्थक तौकीर अहमद मुन्ना ने कहा कि हमारे उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी को सारे तबके का समर्थन मिल रहा है। हमारा सबसे पहला मुद्दा है वो है स्थानीय का, दूसरा इस समय जो हालात है उस हालात में हमारे साथ सारे समुदाय के लोगों का समर्थन मिल चुका है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपने जाले के सारे मतदाताओं के आप लोग एक अच्छे और स्थानीय उम्मीदवार को अपना आशीर्वाद दें। इन्हों ये जो नाजिर अहमद अंसारी के जो समर्थक हैं उन्होंने ये बात रखी है, अहमद मुन्ना ने ये बात रखी है। और आपको बता दें कि इस मौके पर जो मौजूद रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नाजिर अहमद अंसारी के साथ चलने वाले लोग मसरूर हसन अधिवक्ता, विनोद महतो, कनाही महतो, सत्यनारायण महतो, अनुरोध महतो, मंजूर अंसारी, ये सभी लोग इस जनसंपर्क में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि लगातार आप भारत उदय समाचार पर नाजिर अहमद अंसारी से जुड़ी हुई खबरें, चाहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खबरें, और कहीं ना कहीं जो राजद के गठबंधन के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे जुड़ी हुई खबरें मैं सभी लगातार आपको दिखाने जा रहा हूं। लगातार अब जो है कहीं ना कहीं कुछ दिन ही बचा हुआ है जब मतदान पड़ने वाला है। आपको ऐसे में बता दें कि लगातार सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेता, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों या वो सांसद हों, सभी नेताओं का दौरा हो रहा है। ऐसे में अब देखने की बात है कि यहाँ पर जो एनसीपी पार्टी है वो अपने उम्मीदवार के समर्थन में किस बड़े नेता को उतारती है जाले विधानसभा के धरती पर। और सबसे बड़ी बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, मसूर जो उस्मानी हैं, वो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। उनके साथ जो विभिन्न पार्टियों के जो लोग हैं वो भी भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे में सभी पार्टियों की बात अगर करें तो सभी पार्टियां कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है, कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ना चाह रही जिससे कि वोटरों को लुभाना है। आपको बता दें कि किसी भी खासकर जाति की बात करें, सभी जातियों के पास हो या यहाँ पर जातिगत जो खासकर जो चुनाव होता है, जातिगत जो लोग ज़्यादा उसमें करते हैं, चुनाव की बात अगर करें, बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, तो ऐसे में देखना यह होगा कि जो मुस्लिम वोटर का जो मूड है वो किस तरफ जाता है। लेकिन देखने की बात यह है कि खासकर हिंदू मुस्लिम वोटर जो लगातार हर एक विधानसभा चुनाव में मुद्दा उठता आ रहा है, इस बार क्या पकड़ता है जोर, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। विशेष कवरेज